और चौथी स्टेज में हम सब जो है जैसे है, बाबा जो है जैसा है। क्या हम सब ने बाबा को यथार्थ पहचाना है? अपने आप से पूछना ये बात। अगर सचमुच किसी आत्मा ने अपने आप को भी यथार्थ पहचान लिया, देह संबंध पदार्थ सबके संबंध संबंध में आते हुए वो प्राण न्यारी बन जाएगा, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा। स्वयं को पहचाना, आपको पहचाना, और यथार्थ पहचान करके कर्मयोगी बन करके रहे और कर्मातीत बन गए, वो बाबा की स्टेज जिसमें केवल बाप और आप, मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसके सिवाय कोई तीसरा ना है, ऐसा योग जिसको बाबा कहते हैं शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बीज रूप की स्टेज। और जितना समय हम स्टेज में स्थित रह सकते हैं, इस स्टेज में जिसमें कोई भी बंधन, कोई भी संस्कार, कोई भी चिंतन न चले, मैं और मेरा बाबा बस अनुभव के संकल्प है, क्योंकि आत्मा कभी भी संकल्प शून्य नहीं बनती। इस बात को थोड़ा ध्यान देना, कई लोग योग में बैठते कहते कोई संकल्प ही न चले, बस जड़ बैठ जाए, बनकर जड़ नहीं है हमारा योग, जड़ता नहीं है, अनुभव है, संकल्प है, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। और अनुभव के संकल्पों में आत्मा समाई हुई है, कोई जो योग शक्तिशाली होने के कारण बीज रूप योग कह सकते हो, पावरफुल योग कह सकते हो, ज्वालामुखी योग कह सकते हो। ज्वालामुखी इसने कहा है जैसे कोई ज्वाला के अंदर कोई चीज डाल दी जाए तो जो चीज उसमें पड़ जाएगी उसका रूप रंग सब चेंज हो जाएगा, जैसी थी वैसी निकलेगी नहीं बाहर। कोयला डालोगे काला कोयला भी लाल होकर के निकल आएगा, सोना डालोगे वो भी पिघल करके प्योर होकर के निकल आएगा। आज हम ईंट को अगर भट्टी में डाल देते, कच्ची मिट्टी की पका देते हैं, पक करके मजबूत ईंट बन करके निकल आती है, परिवर्तन रूप का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ही योग को अग्नि कहा है, ज्वाला रूप कहा है, कि ज्वाला ऐसे नहीं ऐसा भयानक रूप हो जाएगा, कोई बैठोगे तो ऐसे रहेगा जैसे कोई आग का गोला निकल रहा है। कई लोग अपना चेहरा भी ऐसा बना लेते हैं जैसे बहुत पावरफुल योग। एक भाई हमारा योग करता था तो दादी एक दिन देख रही थी, गुलजार दादी कहती भाई तुम देखना बाबा को ऊपर से गिरा नहीं देना, ऐसे योग ऐसा चढ़ा करके जैसे मैं ज्वालामुखी बन के बैठ गया हूँ। सरल योग, सहज योग, शीतल बनाने वाला योग, कर्म इंद्रियों को शीतल बना देता है, अंग अंग सुगंधित कर देता है, ऐसा सहज योग बाबा ने सिखाया है। लेकिन ज्वाला नाम इसने दिया क्योंकि इसके अंदर लगन की आग है, आग है लेकिन प्यार की आग है, स्नेह की आग है, और स्नेह में आत्मा खो जाती है न कि वो तेज हो जाती है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्वालामुखी योग को यथार्थ रीति से समझें। आत्मा की शक्तिशाली स्थिति जिसमें मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित होकर के उसके साथ मिलन हो, उसकी अनुभूतियाँ हों, अगर वो शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का सागर है तो मैं आत्मा उसका स्वरूप बन करके बैठूँ। वो हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, जैसे सागर के तले में हम चले गए, शांति के सागर के तले में चले गए।